तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आसिफाबाद में एक रैली के दौरान अपना आपा खो बैठे। रैली में आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा कर रहे लोगों को के चंद्रशेखर राव ने खामोश बैठने की नसीहत देते हुए कुछ शब्दों की मर्यादा वो यहां भूल गए और मंच से फटकार लगाते हुए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर बैठे। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी ने केसीआर पर जनता से किए गए वायदे पूरा न करने का आरोप भी लगाया। बैठो खामोश बैठो, वाटे वोड़ 12% वाटे वोड़ చెప్తా కదరా భాయ్ తొందర ఏది పడుతున్నావు బయట కాముల్ బయట బోలుం బయట బయట నా తుమారే బాప్ కు బోలుంగా క్యాప్ బయట కాముల్ బయట వాటే వాడు 12% వాడేవాడు చెప్తా కదరా భాయ్ తొందర ఏది పడుతున్నావు బయట కాముల్ బయట బోలుం బయట బయట నా తుమారే బాప్ కు బోలుంగా క్యాప్ కేసిఆర్ క జో एरोगेंस है वो खुलकर सामने आ रहा है। सत्ता उनके सर पर चढ़ के बोल रही है। लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करना बहुत ही निंदनीय है। किसी भी नेता को ऐसा प्रॉमिस करना ही नहीं चाहिए जो फुलफिल नहीं कर सकते। इन्होंने 12% रिजर्वेशन की बात की थी मुस्लिम की, जो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस के सचिन पायलट और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी कहे जाने वाले अकेले मुस्लिम उम्मीदवार और प्रदेश के मंत्री यूनुस खान के बीच मुकाबला है। न्यूज 18 से खास बातचीत में यूनुस खान ने यह दावा किया कि वो किसी एक कौम के नेता नहीं बल्कि 36 कौम के नेता हैं। यूनुस भाई बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जी 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 मुझे पता चला कि बहुत व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है आपका। चुनाव है, चुनाव में तो कार्यक्रम ही होते हैं। तो बात सही है, आप बहुत अनूठे हैं, नायाब हैं, क्या बात है, मजा आ गया साहब। और ये 200 में अकेले हैं, ये बात सच है? यानी अकेला मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया, ये बात सही? देखिए भारत में 125 करोड़ लोग रहते हैं, राजस्थान में 7.25 करोड़ लोग रहते हैं। मैं 10 साल से मंत्री हूँ और उस व्यक्ति को आप अकेला बता रहे हो? अरे क्या बात है, मंत्री पे बाहर कह रहे हैं, बड़ा तिलस्मी चेहरा है। कोई तिलस्म नहीं है सर है? मैं तो लोग जो है उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ। मतलब उनका प्यार कैसे मिले, वो मेरे से खुश कैसे रहे, उस अंदाज में रहता हूँ। मैंने कभी मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जो एक सामान्य परिवार है, किसान है, घर में फौजी लोग हैं, ऐसा वातावरण मिला तो सबके साथ। तिलस्म की बात ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो मेहता जी को टिकट मिला था वो पर्चा भर दिया था, पोस्टर अभी होर्डिंग तब लगे हैं, वो लगे रहेंगे, टिकट आपको मिल गया, यही कह रहे थे। नहीं 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 नहीं, गजब है साहब, कोई तिलस्म नहीं है मेरे पास जी, कोई तिलस्म नहीं। ये जो है जी, आपको हमको एक चीज समझनी पड़ेगी जी, कि जब आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जनता आपको पसंद करनी चाहिए। आप क्या पसंद करते हो आपकी पसंद गौण हो जाती है। पार्टी कार्यकर्ता जनता, ये तीनों के साथ कैसे तालमेल बिठाओ, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है। मैंने सवाल पूछा था कि कैसे सुना मुख्यमंत्री जी ने बुला दिया आपके लिए, आपका टिकट तो मुख्यमंत्री ने फाइनल किया, ये सही है क्या? देखिए ये आपका सोच है, भारतीय जनता पार्टी में सारे निर्णय सामूहिक होते हैं, मुख्यमंत्री जी उसका हिस्सा है। पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट चौथी बार डिक्लेयर किया। लेकिन अगर ये लड़ाई, अगर मान लीजिए यहाँ पे सचिन हैं आपके खिलाफ, सचिन पायलट, अगर ये नागौर में हो रही होती, आपकी दंगल वहां हो रहा होता तो ज्यादा मजेदार नहीं होता? नहीं देखिए मजा लेने के लिए राजनीति में नहीं आए, मजा लेने के लिए राजनीति में बड़ी देर बात खोले हुजूर, आपका प्रोग्राम ही हंसने वाला। सच्चाई तो ये हुजूर, नहीं नहीं सच्चाई इसको लगा था दौरा चल गया। सच्चाई मेरी बात सुनिए जी, सच्चाई ये बात है कि योगी जी और यूनुस खान के जो संबंध है वो आपको भी पता भी नहीं। योगी जी के जो खास यहाँ गुरु बैद्यनाथ जी है उनका मैं शिष्य हूँ, एक बात। और राजस्थान और उत्तर प्रदेश का रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हुआ तो उन्हीं के घर में रुका, उन्हीं के ठहरा और उनके साथ मेरे हस्ताक्षर हुए और उन्होंने मेरे को पूरी रात रोका और अभी भी वो मेरे लिए आएंगे, आप चिंता मत करिए। अच्छा चलिए कांग्रेस पे आ गए तो अब हमें कांग्रेस से योगी जी को छोड़िए, मैं इधर आ जाता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि जाना है, बहुत देर हो गई। अंदर बड़ी आपकी गुफ्तगु लंबी चल गई आज, कल सुना कुछ आपके काफिले पे लोगों ने पथराव कर दिया था। ये देखिए पथराव दो तरीके के लोग करते हैं,
आपको भी बताएं, आपका भी बताएं, आपका भी बताएं। एक तरीके के वो लोग जिनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, बिल्कुल सही, आप जानते हो कौन लोग होते हैं। दूसरे वो लोग जब हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मुझे बताइए डेमोक्रेसी में वोट का महत्व है या पत्थर का महत्व है, आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप वोट देकर के अपनी अभिव्यक्ति करिए ना, आप पत्थर क्यों फेंक रहे हो, तो आप पत्थर क्यों फेंकवा रहे हो, आप पत्थर फेंक वालों को आप साथ क्यों रख रहे हो। अरे आप प्रदेश के जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप चीफ हो, और अगर आपका समर्थक मतलब जो है प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी के पत्थर फेंकता है, मतलब सचिन जी मैं उसी पे आऊंगा, बाद में आऊंगा, लेकिन मुझे और क्या सर, पढ़े लिखे को फारसी क्या साहब, मैं आऊंगा सीधे सीधे सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ हुजूर अली कि उन्होंने कहा कि इसलिए हुआ ये कि सहानुभूति मिल जाए मुसलमानों की, 50,000 वोट है तो ये अगर वो कह रहे हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं, मैं अभी मेरा उनके समर्थन में आउट हो जाता हूँ अगर ये बात कह रहे हैं। वो नहीं कह सकते, वो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन चर्चा खास है कि मुस्लिम 50,000 वोट कोई छोटा मोटा वोट नहीं होता भाई साहब। आप मेरी बात सुनिए, आप तो बात करिए 224,000 की। मैं मतलब किसी एक कौम का एक धर्म का नेता नहीं हूँ, 36 कौम। यूनुस खान की 20 साल की राजनीति की कमाई एक ही है कि इसको 36 कौम पसंद करती है, सब धर्म के। दिल्ली पुलिस के उत्तरी जिले के 58 पुलिस वालों ने एक साथ वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस ले लिया है। एक साथ दिल्ली पुलिस के 58 पुलिसकर्मियों का वीआरएस लेना कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि क्या वीआरएस लेने वाले पुलिसकर्मी दबाव में हैं। हालांकि इन पुलिसकर्मियों के वीआरएस लेने की साफ वजह सामने नहीं आई है, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि वीआरएस लेने का पुलिसकर्मियों का फैसला उनका व्यक्तिगत फैसला है और ये रूटीन प्रक्रिया है। हर 3 महीने में पर इस तरह के आवेदनों पर रिव्यू कमेटी फैसला लेती है। कल ही दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की 10वीं मंजिल से एक ACP ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये कदम डिप्रेशन की वजह से उठाया गया था। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, 58 पुलिस वाले कम नहीं है ये संख्या, एक साथ वीआरएस लेने की क्या यहाँ पर देखे, क्या दबाव में है ये पुलिस वाले, इस वजह से ये फैसला लिया गया? देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव जरूर है, क्योंकि एक साथ अगर 58 पुलिसकर्मी वीआरएस देते हैं, और वो भी वो लोग हैं जिनमें सबसे ज्यादा संख्या जो है ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की है। ये वो लोग हैं जो लगभग 30 साल के आसपास अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तब इनका प्रमोशन हुआ है और उसके बाद अब वो अचानक सेवानिवृत्ति की इच्छा अपनी जाहिर करके एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में सफाई देती है कि उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन हर 3 महीने में एक रिव्यू कमेटी बैठती है, जब भी कोई एप्लीकेशन देता है अपनी वीआरएस की तो उस पर विचार किया जाता है कि क्या उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाए या नहीं। हर 3 महीने में जरूर रिव्यू कमेटी बैठती है, लेकिन क्या इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में इस तरह का मामला आया है दीपक? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा कोई मामला अब तक सामने नहीं आया, हालांकि दिल्ली पुलिस भले ही सफाई दे रही हुई, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला कहा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव है पुलिसकर्मियों पर, क्योंकि 13-14 घंटे उनको काम का प्रेशर रहता है और यही वजह है कि काम के इसी प्रेशर का कहीं ना कहीं असर दिखने लगा है पुलिसकर्मियों पर, क्योंकि 13-14 घंटे की जो ड्यूटी के दौरान उन लोगों को परेशानी होती है वो शायद वो अब ज्यादा समय झेलना नहीं चाहते, और यही वजह है कि वीआरएस की अपनी इच्छाएं जो है उन्होंने जाहिर की है और एप्लीकेशन दी। निश्चित रूप से शुक्रिया फिलहाल इससे तमाम जानकारी के लिए। करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के पावन मौके पर भारत के मंत्रियों के वहां जाने के बाद पाकिस्तान की असलियत सामने आ गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उकसाने वाला बयान देते हुए कहा कि ये इमरान खान की गुगली थी, जिसकी वजह से भारत के 2 मंत्रियों को पाकिस्तान आना पड़ा। कुरैशी की इस बात से साफ है कि पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है और वो इसी वजह से सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को न्योते की बात कर रहा था। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसको लेकर पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दे दिया था। हमने ताल्लुकात में बेहतरी लानी है, और फिर आपने देखा और आपने देखा और दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा कि कल इमरान खान ने करतारपुर की गुगली फेंक दी, और उस गुगली का नतीजा क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान जो इंगेज करने से कतरा रहा था उनको 2 वज़रा को रुख्सत करना पड़ा।
अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि आपके सिद्धू तो आज आकर कसीदे गढ़कर आते हैं इमरान खान की शान में, मेरा यार जीवे, पाकिस्तान जीवे और ये हमारी दोस्ती, मतलब बड़ी बड़ी बातें वहां पर करके आते हैं। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर जो उनके विदेश मंत्री ने कहा है कि गुगली में फंस गए? मैंने पाकिस्तान तो बोलता ही रहता है। अच्छा, उसका तवज्जो हमको नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारी सरकार की पाकिस्तान की नीति कोई स्पष्ट नहीं। यू टर्न। अभी फिर भी कहते, दो दिन पहले बोला था कि दोनों काम साथ नहीं होगा, आतंकवाद और वादा दोनों नहीं होगी। तो भैया आपने ऐसे क्यों, जब से सरकार आई है कुछ पता ही नहीं कि हमारी भारत सरकार की विदेश नीति क्या है। भारत सरकार को एक स्पष्ट विदेश नीति तय करनी चाहिए। पूरा देश भारत के सरकार के साथ है, हर पार्टी भारत की सरकार के साथ खड़ी होगी जो भारत की सरकार है नीति तय कर ले। लेकिन ये भारत की सरकार का कोई नीति ही नहीं, इनका सिर्फ प्रचार करना प्रसार करना है इस देश में। प्रधानमंत्री तो लगते नहीं है, प्रचार मंत्री की तरह से एक्ट करेंगे तो क्या होगा। इधर सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपने देश को इस्लामिक स्टेट बनाया हुआ है और वो आतंकवाद के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहा। सेना प्रमुख ने इमरान खान की पहल पर कहा कि उनकी तरफ से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद ही कुछ हासिल होगा। आप पहले एक कदम चलो, पहले आप बोलते हो भारत अगर एक कदम चलता है तो हम दो कदम चलते हैं। भारत तो कई बार एक कदम चल चुका है, आप पहले एक कदम तो चल के दिखाओ। हमने बोला है कि आपके देश में आतंकवाद पनप रहा है, आप कुछ तो हरकत करके दिखाइए अपने देश में कि हम आतंकवाद पर काबू करने के लिए कुछ कर रहे हैं। हम अपने देश से आतंकवाद भारत देश में नहीं भेज रहे हैं, पहले हमारे को ग्राउंड पे तो दिखाइए इसकी स्थिति क्या है। हम एक कदम चले, पहले आप एक कदम चलिए। सी द स्टेट टुगेदर स्टे सेपरेट, ये जो इशू है इस पर पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी हालत देखनी है। पाकिस्तान ने अपने स्टेट को इस्लामिक स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर में सेना की लगातार सख्त कार्रवाई से बौखलाए जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने अब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर गीदड़ भभकी दी है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने एक धमकी भरा पोस्टर भी जारी किया है। मसूद अजहर ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो जैश के आतंकी दिल्ली से लेकर काबुल तक बदला लेने को तैयार हैं। मसूद अजहर ने धमकी देते हुए कहा कि उसकी नजर अयोध्या पर है और अगर मंदिर बना तो वो तबाही फैलाने से पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, करतारपुर कॉरिडोर के लिए भारत से दो मंत्रियों के पाकिस्तान जाने पर भी मसूद अजहर ने नाराजगी जताई। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये बौखलाहट से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह की धमकी के बाद क्या यहाँ किसी तरह की कोई आपको जानकारी मिल पा रही है कि सिक्योरिटी में कोई बढ़ाव या कुछ इस तरह की कोई चीजें हुई हो? देखिए हिमानी, इस तरह की जो गीदड़ भभकी है और इस तरह की जो प्रोपेगेंडा स्टंट है, ये मसूद अजहर समय समय पर करता रहता है। अभी आप देख रही होंगी कि जो कश्मीर में जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और सारे के सारे टॉप कमांडर जो है तकरीबन मारे जा चुके हैं, सिर्फ जिनतुल इस्लाम, रियाज माइकू और जाकिर मूसा को छोड़ के सारे एलिमिनेट किए जा चुके हैं। जाहिर तौर से उसका फ्रस्ट्रेशन है, कश्मीर में भी कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने में विफल रहा है पिछले कुछ महीनों में, जैसे मोहम्मद और हिंदुस्तान के किसी और हिस्से में। जाहिर तौर से अयोध्या की आड़ में अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए जैसे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर इस तरह के प्रोपेगेंडा स्टंट ऑडियो जो है जारी कर रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियां जो है किसी भी चीज को, किसी भी धमकी को बड़ी सीरियसली लेती हैं, तो वो हर तरह के एहतियात बरत रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह ही पुख्ता है। इसमें कई किसी तरह की नई जो है कोई तब्दीली नहीं की गई। क्या इस तरह के कुछ और इनपुट्स भी मिल रहे हैं? देखिए किसी तरह हमेशा इस तरह के इनपुट जो आते रहते हैं उसको लेकर जो है आईबी और आईबी जो है समय समय पर अलर्ट जारी करता रहता है। ये साल भर ये प्रोसीजर चलता है और मसूद अजहर भी जो अपना ऑडियो हर बृहस्पतिवार को जारी करता है और अभी अयोध्या का मामला चूंकि गर्म है तो इस साल में अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए उसने ये जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है और जैश ए मोहम्मद या किसी भी आतंकवादी संगठन का की तरफ से कोई भी धमकी है उसको डील करने के लिए भी पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, शुक्रिया नीतीश। पाकिस्तान के करतारपुर में खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला के साथ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की फोटो पर घमासान तेज हो गया है। पाकिस्तान में हाफिज सईद के करीबी गोपाल सिंह चावला के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीर वायरल होते ही विरोधियों ने उन पर जमकर हमला बोला और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सिद्धू को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली। उसको बोलना चाहिए कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं, ये नहीं बोलते हैं उसके, वो तो चापलूस करने में लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि सिद्धू सिद्धू के जैसे वो
आए हैं इंडिया में उनको गिरफ्तार करनी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, और फिर उसकी पूछताछ NIA करनी चाहिए, कहाँ थे, कौन से होटल में ठहरे थे, उसका खर्चा किसने दिया, ये सारे पता करना चाहिए। दिल्ली के VVIP इलाके 12 खंबा रोड से पुलिस ने चोरी के आरोप में एक साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्त में आए 11 लोग VVIP इलाकों से जमीन के अंदर बिछी टेलीफोन की तारों को चुराने का काम करते थे, और इसके लिए ये लोग बाकायदा पहले खुदाई करते थे और फिर जमीन के अंदर से तारों को निकालते थे। पुलिस के मुताबिक जिन तारों को ये लोग चुराते थे वो काफी महंगी होती हैं और एक मीटर तार की कीमत करीब 50,000 रुपए होती है। पुलिस का दावा है कि इस गिरोह में 50 से 60 लोग हैं जो 10-11 के ग्रुप में रात के वक्त अलग अलग इलाकों में चोरी करते हैं। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक मकान के बाहर खड़े 18 महीने के बच्चे की स्कूटर से टक्कर लगने से मौत हो गई। ये बताया गया कि जिस स्कूटर से हादसा हुआ उसे चला रहा आरोपी लड़का एक नाबालिग है जिसने तेज रफ्तार में दो बच्चों को टक्कर मार दी। घटना के CCTV वीडियो में देखा कि 18 महीने का बच्चा अपने घर के बाहर सड़क की दूसरी ओर खड़ा था। कुछ देर बाद एक छोटी बच्ची उसके पास दौड़कर पहुंची कि तभी अचानक पीछे से एक स्कूटर तेजी से आया और दोनों बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी। तो यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये पीछे से स्कूटर से आया एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र करीब 18 महीने बताई जा रही है। 18 महीने का ये बच्चा छोटा वहां खड़ा था अपने घर के बाहर दूसरी तरफ। इसी बीच एक छोटी बच्ची भी घर के भीतर से निकलकर आती है, उस बच्चे की ओर दौड़ती है, लेकिन सामने से आ रहा स्कूटर तेज रफ्तार ये था इन दोनों को टक्कर मार देता है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी लड़का है वो नाबालिग है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। ये बैठक दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन चर्चा की शुरुआत में ही बीजेपी के पार्षदों ने नगर निगम की खराब आर्थिक हालत के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस पर आम आदमी पार्टी के पार्षद भड़क गए और उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बीजेपी के पार्षदों ने भी सदन के भीतर मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से आम आदमी पार्टी के पार्षद और उग्र हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों में टकराव की नौबत आ गई। सदन के भीतर हालात बिगड़ते देख मेयर को सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ा। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे प्लानिंग के तहत सदन को आज जिस तरह चलाने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की, वो वाकई में निंदनीय घटना है और इसमें भाजपा के सभी पार्षदों को और मेयर को माफी मांगनी चाहिए या उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो अब तक के सबसे नाकारा मेयरों में साबित हुए हैं। उनको सदन चलाने का अनुभव नहीं है। वो विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र की आवाज को इस देश में दबाना चाहते हैं। जो हमारा रूल है कि तीन पक्ष के पार्षद बोले, एक विपक्ष के पार्षद बोले, उसको भी तोड़ते हुए मैंने दो पक्ष का और एक विपक्ष का पार्षद का बुलाने का प्रयास किया। इस पर चर्चा होकर के निकले, कुछ अहम मुद्दा ऐसा कुछ निकले जो पर्यावरण को हम लोग दिल्ली से कम कर सके। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं, जो इनको सिखाया जाता है, निगम पार्षद के साथ साथ उनके सम्मानित विधायक भी जो बैठे हुए हैं, मैं उनको जितना भी उनका निंदा करूं उतना कम होगा, क्योंकि उनके इशारे पर उनको दिल्ली सरकार केजरीवाल जी के द्वारा वहां से भेजा जाता है। मुजफ्फरपुर कांड के विरोध में RJD और कांग्रेस के विधायकों ने बिहार विधानसभा से राजभवन तक एक मार्च निकाला। इस मार्च में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए जो इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते नजर आए। राजभवन तक निकाले गए इस मार्च में RJD और कांग्रेस के अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान RJD और कांग्रेस के विधायकों ने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे जिन पर मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ नीतीश कुमार और सुशील मोदी की फोटो दिखाई दी। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर मुजफ्फरपुर कांड के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार जी उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं जिन लोगों ने बेसहारा मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करने का काम किया। हम लोगों ने लगातार इस मसले को उठाया और आज भी हम लोग पूरे विपक्ष के लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया कि इससे बड़ा मुद्दा जहां सुप्रीम कोर्ट आपको हर दिन फटकार लगा रही है और ये बोल रही है कि आप गंभीर हो जाइए, और वहीं बिहार का मुख्यमंत्री गंभीर होने के बजाय सदन के अंदर नहीं आते हैं, जवाब नहीं देते हैं, और प्रश्नकाल उत्तर का पूरा होम डिपार्टमेंट, जो भी उनके अंतरकाल जितने डिपार्टमेंट आते हैं, उस पूरे वर्ग को ही खत्म कर दिया जाता है।
महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुकान में रखी कांच की मोटी शीट कुछ कर्मचारियों के ऊपर गिर गई। ये कर्मचारी कांच की शीट को गिनने का काम कर रहे थे, तभी कांच उन पर गिरने लगा। उन लोगों ने कांच को पकड़कर पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन शीट का वजन ज्यादा होने की वजह से पूरी शीट तीन कर्मचारियों के ऊपर गिर गई और तीनों उसके नीचे फंस गए। आसपास के लोग उन कर्मचारियों को बचाने के लिए वहां पहुंचे और काफी देर की मशक्कत करने के बाद उन कर्मचारियों को बचाया जा सका। हादसे में एक कर्मचारी बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में पिछले 11 दिनों से जारी भारत और रूस के बीच साझा अभ्यास खत्म हो गया है। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेना ने साथ मिलकर आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के गुर सीखे। इसके आखिरी दिन फायरिंग रेंज मैदान में दोनों देश की सेनाओं ने मार्च पास्ट किया और भारत के मेजर जनरल पीएस मिन्हास और रूस के मेजर जनरल के सामने सलामी दी। इस दौरान दोनों सेनाओं के बेड़े में शामिल टैंकों की भी परेड हुई, जबकि एक गाड़ी में सवार होकर दोनों देशों के बड़े अधिकारी सेना की टुकड़ी के सामने से गुजरे और उनकी सलामी दी। इस साझा अभ्यास में दोनों देशों के 500 जवान शामिल थे। पिछले 11 दिनों में भारत और रूस की सेना ने मिलकर आतंकियों की घेराबंदी करना, टैंक और रॉकेट लॉन्चर से उनके ठिकाने ध्वस्त करना और उन्हें खदेड़ने के लिए मजबूर करने जैसे टास्क को अंजाम देना सीखा।